नमस्कार दोस्तों, सुधा की रसोई में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सीमा पाउडर से हलवाई जैसा स्वादिष्ट रसगुल्ला बनाने जा रही हूँ। और दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें ऐसी ही वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए हमें सबसे पहले रसगुल्ला बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी वह मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, हमें मीडियम साइज के 20 से 25 रसगुल्ले बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 250 ग्राम सीमा पाउडर, जो मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। उसके बाद हम 4 से 5 बादाम और 5 से 6 काजू को बारीक काट कर ले लिया है। फिर उसके बाद 200 ग्राम दूध का खोआ। दोस्तों, आप चाहे तो खोआ की जगह मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन मावा लेने से हमारे रसगुल्ले चिकने बनते हैं, इसके लिए हमने मावा लिया है। फिर उसके बाद हम 25 ग्राम मुनक्का ले लेंगे रसगुल्ले के अंदर डालने के लिए। दोस्तों, हम मुनक्का इसलिए रसगुल्ले में डालेंगे ताकि हमारे रसगुल्ले के अंदर से एक अलग ही मीठा फ्लेवर आएगा। इसके लिए हमने मुनक्का ले लिया है और 8 से 10 इलायची को हम कूट कर ले लेंगे। दोस्तों, हम इलायची इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारे चाशनी का टेस्ट अच्छे से बढ़ जाए। अगर आप चाहे तो गुलाब जल भी ले सकते हैं। हमारे पास इलायची था, इसके लिए मैंने इलायची ले लिया है। फिर उसके बाद हमें रसगुल्ले की चाशनी बनाने के लिए हम 250 ग्राम शक्कर ले लेंगे। फिर उसके बाद हमें रसगुल्ले को छानने के लिए 300 ml तेल ले लेंगे। दोस्तों, अब हम रसगुल्ला बनाना स्टार्ट करते हैं। रसगुल्ला बनाने के लिए हम सबसे पहले रसगुल्ले की चाशनी बनाएंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले गैस जलाकर पतीले को गैस पर रख देंगे और उसके बाद हम पतीले में 250 ग्राम शक्कर और 300 ml पानी डालकर हम चाशनी में एक उबाल आने देंगे। दोस्तों, अब हमारी चाशनी में उबाल आ गया है। हम चाशनी में कूटा हुआ इलायची डालकर इलायची को थोड़ा मिलाएंगे। फिर उसके बाद हम कलछी में चाशनी को थोड़ा लेकर हम पतीले में चाशनी को गिराएंगे। दोस्तों, अब हमारे चाशनी में एक तार बन रहा है, तो इसका मतलब हमारी चाशनी बनकर तैयार है। अब हम गैस को बंद करके चाशनी को ढक देंगे। दोस्तों, अब हम रसगुल्ले बनाएंगे, जिसके लिए हम एक थाली लेंगे और उस थाली में हम मावा डालकर थोड़ा भुरभुरा कर लेंगे। फिर उसके बाद हम थाली में सीमा पाउडर डालकर हम मावे में मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, अब हमने खोआ और सीमा पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा पानी डालकर आटे जैसा गूंथ लेंगे। दोस्तों, अब हमने आटे जैसा गूंथ लिया है। अब हम एक लोई लेके गोली बनाएंगे। फिर उसके बाद हम गोली में अंगूठे से जगह बना के मुनक्का रखकर हम मुनक्के को लोई के अंदर बंद करके अच्छे से गोली बनाकर पेड़े का शेप दे देंगे। दोस्तों, आज हम हलवाई स्टाइल में रसगुल्ला बनाएंगे। इसके लिए हम रसगुल्ले को पेड़े का शेप दे रहे हैं। और दोस्तों, याद रहे हमें गोली को चिकना बनाना है, नहीं तो हमारा रसगुल्ला तेल में फ्राई करने के टाइम फट जाएगा। हम ऐसे ही सारे पेड़े बना लेंगे। दोस्तों, अब हमारे सारे रसगुल्ले के पेड़े बनकर तैयार हैं। अब हम रसगुल्ले के पेड़े को कढ़ाई में छानेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले गैस जलाएंगे। फिर उसके बाद कढ़ाई को गैस के ऊपर रखकर
हम कढ़ाई में तेल डालेंगे गरम होने के लिए। दोस्तों अब हमारा तेल गरम हो गया है। हम तेल में एक आटे की छोटी सी लोई बनाकर डालेंगे चेक करने के लिए कि हमारा तेल गरम हुआ है या नहीं। दोस्तों हम देख रहे हैं कि हमने जो छोटी सी टिक्की बनाकर तेल में डाली थी वह टिक्की तुरंत ही तैरकर ऊपर आ गई है। अब हम टिक्की को निकालकर गैस को मीडियम फ्लेम पर करके हम तेल में एक एक करके सारे पेड़े को डालकर हम पेड़े को गोल्डन ब्राउन होने तक चलाते रहेंगे। दोस्तों अब हमारे पेड़े गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब हम रसगुल्ले को कलछी की मदद से निकाल लेंगे। हम ऐसे ही सारे पेड़े को तेल में छान लेंगे। दोस्तों मैंने सारे रसगुल्ले को निकाल कर रख लिया है। अब हम कढ़ाई को गैस पर से हटाकर चाशनी वाले पतीले को गैस के ऊपर रख देंगे थोड़ा गर्म होने के लिए। दोस्तों हम चाशनी को थोड़ा गर्म इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी चाशनी थोड़ा मेल्ट हो जाए और रसगुल्ले में चाशनी अच्छे से भर जाए। अब हम हर एक पेड़े को चाशनी में डाल देंगे। दोस्तों हम अपने सारे पेड़े को चाशनी में डाल दिया है। अब उसके बाद हम कटे हुए काजू और बादाम को रसगुल्ले के ऊपर गार्निश करके अब हम गैस बंद कर देंगे। हम रसगुल्ले को एक घंटे के लिए चाशनी में ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि हमारे रसगुल्ले में चाशनी अच्छे से भरकर फूल जाए। दोस्तों अब एक घंटा हो गया है। हमने कुछ रसगुल्ले को एक प्लेट में निकाल कर रख लिया है। दोस्तों अब हमारा सीमा पाउडर से हलवाई जैसा रसगुल्ला बनकर तैयार है। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।